आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी एक्सरसाइज पार्ट 8, यानी कि जो एक वोकैबुलरी एक्सरसाइज की सीरीज चल रही थी ना, उसका ये आठवां भाग है। अगर आपने इससे पहले के भाग नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आइए बिना किसी देर किए आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा वर्ड है। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है सो। नेक्स्ट सिबलिंग्स। अगला देखिए बेल्च, क्रीमटोरियम, सीव द टी, स्नोर, ग्रेनी, आई ब्लिंक, स्मॉल फ्राई, ग्रेवी यार्ड। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10 वर्ड्स कवर करने वाले हैं और एक एक वर्ड्स को हम एग्जाम्पल के साथ में समझने वाले हैं, ताकि एक एक वर्ड आपके ब्रेन में फिट हो जाए और जब भी आपको कॉन्वर्सेशन में मौका मिले आप इन शब्दों को यूज कर सकें और अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकें और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो आइए देखते हैं एक एक वर्ड्स और उनकी मीनिंग। सबसे पहला वर्ड देखिए कौन सा है, BELCH, बेल्च, जिसका मतलब होता है डकार लेना। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मुझे किसी के सामने डकार लेना पसंद नहीं है, विच मीन्स आई डोंट लाइक बेल्चिंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन, आई डोंट लाइक बेल्चिंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें किसी के सामने इस तरह से डकार नहीं लेना चाहिए, यू शुड नॉट बेल्च इन फ्रंट ऑफ एनी वन लाइक दिस, यू शुड नॉट बेल्च इन फ्रंट ऑफ एनी वन लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए सिबलिंग्स, जिसका मतलब होता है भाई बहन। एग्जाम्पल, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, इस तरह से आपसे कोई पूछता है, इसको आप बनाते हैं हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। नेक्स्ट, मेरे 5 भाई बहन हैं, विच मीन्स आई हैव गॉट 5 सिबलिंग्स, आई हैव गॉट 5 सिबलिंग्स। अगला देखिए सो, जिसका मतलब होता है ठीक ठाक। एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है, मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आप अपने एक फ्रेंड से पूछते हैं, आपने ड्रेस पहनी हुई है न्यू ड्रेस, और आप पूछते हैं मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ, यानी कि मैं इस ड्रेस में कैसा दिख रहा हूँ। इसको आप कहते हैं हाउ डू आई लुक इन दिस ड्रेस, हाउ डू आई लुक इन दिस ड्रेस। ठीक है, अब देखिए, माना कि आप अच्छे दिख रहे हैं उस ड्रेस में, तो आपका फ्रेंड आपको कैसे कहता है, आपका फ्रेंड कहता है सो, विच मीन्स यू आर लुकिंग ऑसम इन दिस ड्रेस, यानी कि आप अच्छे लग रहे हो इस ड्रेस में। और अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर आपने कोई ड्रेस देखी और आपको वो ड्रेस पसंद आ गई तो आप कहते हैं कि वाओ सो, इस तरह से आप कहते हैं, यानी कि ये ड्रेस ठीक ठाक है, ये इसका सेंस है। अगला देखिए CREMATORIUM, विच मीन्स शमशान घाट। इसको हमने सही तरीके से प्रोनाउंस करना है, इसकी जो सही प्रोनंसिएशन है वो है क्रीमटोरियम, क्रीमटोरियम, इसको क्रीमेटोरियम नहीं बोलना है। एग्जाम्पल देखिए, शवों को शमशान घाट में जलाया जाता है, शव यानी कि डेड बॉडीज़ को, आप इसको बनाते हैं द डेड बॉडीज़ आर बर्न्ड इन क्रीमटोरियम, द डेड बॉडीज़ आर बर्न्ड इन क्रीमटोरियम। नेक्स्ट, मेरा घर शमशान घाट के पास है, विच मीन्स माई हाउस इज नियर द क्रीमटोरियम, माई हाउस इज नियर द क्रीमटोरियम। अगला देखिए स्नोर, SNORE, जिसका मतलब होता है खर्राटे लेना। एग्जाम्पल, वह खर्राटे लेकर मुझे परेशान कर रहा है, विच मीन्स ही डिस्टर्ब्स मी वाइल स्नोरिंग, ही डिस्टर्ब्स मी वाइल स्नोरिंग। नेक्स्ट GRANNY, ग्रेनी, विच मीन्स नाना नानी। एग्जाम्पल, मैं अपने नाना नानी से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई ग्रेनी वेरी मच, आई लव माई ग्रेनी वेरी मच। अगला देखिए ग्रेवी यार्ड, विच मीन्स कब्रिस्तान, मुझे कब्रिस्तान में जाने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड टू गो इन ग्रेवी यार्ड, आई एम अफ्रेड टू गो इन ग्रेवी यार्ड, विच मीन्स मुझे कब्रिस्तान में जाने से डर लगता है। नेक्स्ट सीव द टी, इसका मतलब है चाय छानना। क्या आप मेरे लिए चाय छान कर दे सकते हैं, इस तरह से आप कहते हैं, कैन यू प्लीज सीव द टी फॉर मी, कैन यू प्लीज सीव द टी फॉर मी। अगला देखिए स्मॉल फ्राई, जिसका मतलब होता है मामूली आदमी, तुच्छ आदमी, या फिर हम कहते हैं दो कौड़ी का आदमी, इस तरह से हम कहते हैं। एग्जाम्पल, तुम मेरे सामने क्या चीज हो। देखिए यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर देखिए मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया हुआ है। क्यों लगाया है, इस तरह से आप शॉक्ड होते हुए किसी को कहते हैं तुम मेरे सामने क्या चीज हो। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप शॉक्ड होते हुए किसी इंसान को इस तरह से कह रहे हैं। इसको आप बनाते हैं यू आर जस्ट स्मॉल फ्राई इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर जस्ट स्मॉल फ्राई इन फ्रंट ऑफ मी।
क्या इसका सेंस है? यानी कि तुम मेरे सामने तुच्छ हो, मामूली आदमी हो, ये इसका सेंस है। अगला देखिए, आई ब्लिंक विच मीन्स आँख फड़कना। एग्जाम्पल, कल रात से मेरी आँख फड़क रही है, यानी कि माई आई इज ब्लिंकिंग सिंस यस्टरडे, माई आई इज ब्लिंकिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट, लगता है कुछ स्पेशल होने वाला है, यानी कि कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ हटकर होने वाला है, ये इसका सेंस है। इट सीम्स टू मी समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन, इट सीम्स टू मी समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन। तो ये थे गाइस 10 वर्ड्स जो आज के इस वोकेबलरी एक्सरसाइज में हमने कवर किए। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और एक भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड।